आज हम आपको बेबी फ्रॉक कटिंग करना बताएंगे। ये डिज़ाइन वाला बेबी फ्रॉक है, तो ये हमने कपड़ा ले लिया है बेबी फ्रॉक कटिंग करने के लिए। देखिए, तो अब हमें जो बेबी फ्रॉक रखना है, लंबाई रखनी है, वो हमें 20 इंच की रखनी है, लेकिन हमें इसमें ऊपर को एक्स्ट्रा पट्टी डालनी है, जो कि हमारी पेठी होगी। हमारी पेठी में ही हमारा डिज़ाइन रहेगा, तो ये हम जितना आप चाहे बढ़ा सकते हैं, और मर्ज़ी है आप लोगों की, क्योंकि ये हमारे घेर हमें इतने ही रखने हैं। ये घेर पे डिपेंड करता है कि आप कपड़ा कितना लोगे। तो अभी हमें इतने घेर हमारे जो बेबी फ्रॉक है उसके लिए बहुत है, तो ये हमने ले लिया है अपने घेर के हिसाब से। अब हमें रखनी है 20 इंच की लंबाई अपने फ्रॉक की, लेकिन हम ये फ्रॉक की जो लंबाई है उसमें से 5 इंच माइनस करेंगे 20 में से, क्योंकि ये हमें इसलिए माइनस करने हैं, इतनी हम अपनी पेटी डालेंगे। अब हमें इसमें 5 इंच माइनस करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं, नीचे का मार्जिन लेना है, ऊपर का पेट में ज्वाइन करने का मार्जिन लेना है। तो हम इसमें 2 इंच जो है प्लस कर देंगे, 5 माइनस करने के बाद 20 में से, उसके बाद 2 इंच प्लस करने हैं, तो ये हमारे जो हो जाएंगे 70, ये इतने हम यहाँ ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर लेना है, छोटी बच्ची है वो, तो इसलिए 4 इंच उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर पेटी डालेंगे, उसमें भी थोड़ा मुड्ढे का रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम बच्ची के लिए 3 लेंगे। और उसकी चेस्ट की फिटिंग जो है 12 है, नीचे अंदर आप छोटे बच्ची है तो इसलिए 4 पे ही पेट का निशान लगाएंगे। यहाँ उसकी 11 फिटिंग है, 12 11, इससे आप ऐसे दोनों निशान को मिला देंगे। अब हमें ये घेर रखने हैं, तो हम इसको इंच टेप को इस तरह कोने पर रखकर ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ इस कोने से 2 इंच ऊपर लेंगे, यहाँ 2 इंच इस पे यहाँ लगाएंगे निशान, और इस कोने से इस कोने को मिला देंगे। देखिए, हमने ऐसे मिला दिया है, ये हमने फिटिंग का लगाया है। थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ कटिंग के लिए, यहाँ पर हम इसको काट देंगे। अब ये हमने अपना तैयार कर लिया है कटिंग करके। अब यहाँ पर जो हमें पेटी डालनी है ऊपर की साइड में, वो हमारी जो पैक साइड होती है कपड़े की, जो पैक साइड है ये जॉइंट वाली, इसको हम ऐसे तिकोना बनाएंगे। ये हम इतना बड़ा तिकोना ले लेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने एक त्रिकोण ले लिया है, अब इसको हम ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर हमें जो पेटी लेनी है 5 इंच की रेडी रखनी है, इसलिए हम यहाँ 7 इंच लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ गले का भी निकालना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये 7 इंच हम टोटल लेंगे इसकी ऐसे करके लंबाई। पहले हम यहाँ 9 इंच टेप रखेंगे और यहाँ 7 इंच लगाएंगे। 1 7 इंच का निशान हम इस वाले कोने पर लगाएंगे और 1 7 इंच का निशान हम इस कोने पर लगाएंगे। अब ये कोने से ये मिला देंगे, ये हमने मिला दिया है। अब इस पर हम कटिंग कर देंगे। ये ऐसा कट गए रुमाल। अब जो है हमें यहाँ पर देखना है, ये जो हमारा बीच अम्बीच होता है, यहाँ हम ये नाप लेंगे ऐसे करके। ये हमारा जो आ रहा है 14.5 आ रहा है, तो यहाँ 7 2 पॉइंट ले लेंगे। ये हमारा बीच अम्बीच का निशान है, बिल्कुल इसके सेंटर में लगा लिया है।
अब यहाँ से निशान जो है यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे ऐसे, और 2.5 इंच बीचम बीच 2.5 इंच रख के यहाँ निशान लगा देंगे। ये लगा दिया है। अब यहाँ से हमें रखना है ये 1.5 इंच। यहाँ बीचम बीच निशान लगाने के बाद यहाँ हम निशान लगा के यहाँ इधर साइड नीचे की साइड 2.5 इंच पर लगाएंगे। फिर इससे ये जो निशान है इस पर से ये रखे इंच टेप यहाँ 1.5 इंच पर लगाएंगे। ये पहले 2.5 इंच जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे मैं एक कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, और इसको मैं सीधा ये आप यहाँ इंची टेप रख करके ऐसे इंची टेप बिल्कुल सीधा होना चाहिए और निशान लगा दें और फिर उस पर कटिंग कर दें ताकि आसानी हो। इसको निकाल देते हैं ऐसा करके, ये ऐसा बन जाता है। फिर जो मैंने ये निशान लगाया है इस निशान को इससे मिला देते हैं ऐसे गोलाई से, और इस गोलाई पे यहाँ हम कटिंग कर देंगे। अब इसको हम खोलेंगे। ये हमारे 2 हैं क्योंकि हम इसे पैक करके सियेंगे इसलिए डबल है। और अब जो हम ये ऐसे रखेंगे, अब ये हमें हमारा जो ये नीचे का हिस्सा था जो हमें इस पेटी में जोड़ना है अपनी, ये नीचे के घेर हैं हमारे, ये हमें यहाँ पेटी में जोड़ने हैं। अब जो है यहाँ बीचम बीच का हमें ये पहले फोल्ड कर लेते हैं और बीचम बीच से यहाँ ये बीच में है हमारा, यहाँ से हमने ये चीज़ जो ली थी, आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने ली थी 4 इंच ली थी, ये टोटल हमारी 8 हो गई है। ये हमने डबल में 4 ली थी। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ हम 3.5 लेंगे, 1/2 इंच नहीं लेंगे क्योंकि जो हम इसे यहाँ डब पैक करके सियेंगे ये थोड़ा बढ़ जाता है। 3.5 ले लिए और यहाँ हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हम यहाँ पे जब इसको ऐसे सियेंगे तो ये इतना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ ऐसे करके ये यहाँ आ जाएंगे निशान। ये हमारे ऐसी पेटी में ज्वाइंट हो जाएगा। और यहाँ बटन यहाँ हमें सिलने की जरूरत, सिर्फ ये चीज़ सिलाई होगी यहाँ पर, यहाँ हमें कुछ सिलना नहीं है। यहाँ बटन रख देते हैं तो ये इससे ही टिक जाता है। ये हमारा पीछे का गला, हमने 2.5 इंच का जो निशान लगाया था वो इसलिए लगाया था ये पीछे का गला है। और यहाँ ये हमारे मुड्ढे हो जाते हैं, यहाँ को आस्तीन का हिसाब रहता है। ये हमारे मुड्ढे हैं देखिए दोनों साइड में, तो ये ऐसे स्टाइलिश बेबी फ्रॉक है। ये ऐसे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कटिंग होकर।